नमस्कार, मैं इमराना हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। जनपद बिजनौर के सिहारा थाना क्षेत्र के ग्राम में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने लगाया ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप। आपको बता दें कि 29 अप्रैल सन 2021 को हिंदू रीति रिवाज के साथ भोपाल सिंह ने अपनी पुत्री अरुणा कुमारी का विवाह थाना सिहारा क्षेत्र के ग्राम में देवेंद्र कुमार पुत्र कृष्ण पाल सिंह के साथ किया था, लेकिन शादी माह बाद ही ससुराल पक्ष दहेज के लिए लड़की को आए दिन प्रताड़ित करता था, जिसका कई बार परिवार के लोगों द्वारा फैसला भी करा दिया गया था। लड़की के भाई भूपेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि अज्ञात कौन से सूचना मिली कि आपकी बहन की हत्या कर दी गई है। जब हम लोग गांव पहुंचे तो घर पर कोई नहीं मिला, लड़की मृत अवस्था में पड़ी हुई मिली। लड़की के पिता भोपाल सिंह के द्वारा लड़की की हत्या की तहरीर स्थानीय पुलिस को देते हुए अपनी बेटी के हत्यारों को सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। देखिए शेरकोट से हमारे संवाददाता सुहेल इदरीसी की रिपोर्ट। महिला की क्या मामला है? जी, महिला को फांसी देके मारा गया, मेरी बहन है, उसको फांसी देके मारा गया। आज टाइम का नहीं मालूम, आज मारा गया। शादी कब हुई थी? शादी 1 साल पहले हुई थी सर। क्या कोई विवाद चल रहा था? जी विवाद था, दहेज प्रथा का विवाद है। दहेज मांगते हैं 10 लाख रुपए और 15 बीघे जमीन मांगते हैं हमसे, डेली मारपीट करते हैं जी। बहुत बार इसने थाने में शिकायत नहीं की, आपस में निपटा लेते थे, हम बैठ के बात कर लेते थे। अब लोग कहाँ हैं? अब ये पता नहीं, कोई घर पे नहीं है, सब फांसी देकर इसको मार के चले गए, सब सब फरार हो गए। हमने नहीं दी, वो पुलिस पहले ही पहुँची थी जी। जी भूपेंद्र सिंह। अच्छा, जो महिला की मौत हुई, क्या मामला है? मामला जी इनका दहेज का है, ये दहेज मांगते थे बार बार और आए दिन 4 दिन में 10 दिन में हर दिन यही फ़ोन था कि इनको घर लेके दो, 6 बीघा जमीन दो, फिर कहीं 15 बीघा जमीन दो। फिर कुछ समय बाद बोला हमसे कि 10 लाख रुपए दो, इसकी नौकरी लगी, रिश्वत के 15 लाख रुपए जा रहे हैं, 10 लाख तुम्हें आज देने पड़ेंगे। इन्होंने ये बोला बहुत बार, हमने ना किया तो पहले भी कई बार मारपीट कर चुके हैं, हमारे घर ये आदमी भी गए हैं 5-6 पहले भी हमारे घर, कि ये ऐसा कर रही है, ऐसा कर रही है, उल्टा सीधा ही बोलना है इनको। क्या आपने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी थी? जी नहीं, इस वजह से कि रिश्तेदारी खराब ना हो जावे, बेटी भी आई है, संबंध को खराब नहीं करना चाहिए, इसलिए सूचना दे दी गई आप द्वारा। हैं जी, पुलिस है मौके पे? हाँ जी, इस समय पुलिस मौके पर है। कहाँ हुई थी शादी, कौन सा गाँव है? जी ये ग्राम शरीफपुर है जी। लड़की कहाँ की थी? लड़की ग्राम लालापुर पीपल थाना की जी। कौन सा थाना लगता है? ठाकुर द्वारा। कितने टाइम पहले शादी हुई थी? शादी जी 29 अप्रैल की 2021, 1 साल हो गया। हाँ जी, बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।